अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास का इंग्लिश का मॉडल पेपर, आज हम सब्जेक्टिव पोर्शन और ऑब्जेक्टिव पोर्शन सॉल्व करेंगे सेकंड सेट का। जो फर्स्ट सेट था वो भी मैंने इसी तरीके से सॉल्व करके आपको समझाया था कि आपने पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन की लेंथ क्या होनी चाहिए और किस तरीके से आपने पेपर को वहाँ पर एग्जाम के अंदर सॉल्व करना है। तो आज हम सेकंड सेट जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने पहले सेट का सोल्यूशन नहीं देखा तो उसको आप जरूर चेक कीजिएगा, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दैट इज लव इज ब्लाइंड, चूज द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द सेंटेंस। लव इज ब्लाइंड, अब ब्लाइंडनेस ये एक ह्यूमन क्वालिटी है। जब हम इंसानों की क्वालिटीज जो नॉन ह्यूमन थिंग्स होती हैं उनको जब हम देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। तो इस सेंटेंस के अंदर क्या है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। आज ही मैंने फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर एक 50 MCQs का टेस्ट रखा हुआ था, उसका वो वीडियो जो है 30 मिनट की, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर चेक कीजिएगा क्योंकि आपके MCQs के अंदर काफ़ी सारे जो फिगर ऑफ स्पीच हैं उनमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है दैट इज डैश इट वॉज रेनिंग आई स्टिल वॉक टू स्कूल। ठीक है, तो ट्रांजिशनल डिवाइस आपने यहाँ पर फिल करनी है। अब ट्रांजिशनल डिवाइसेस के ऊपर भी मैंने 3 लेक्चर दिए थे, वो भी आपने लाजमी चेक करें। यानी कि जितने भी आपके MCQs हैं इसमें जितने भी टॉपिक्स में से आपके क्वेश्चन आते हैं मैंने तमाम टॉपिक्स जो हैं उनको अलग अलग डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से तमाम ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है जिसमें 100 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं उसका आपको लिंक मिल जाएगा, आपने वो तमाम के तमाम लेक्चर लाजमी अटेंड करने हैं। अच्छा, डैश इट वॉज रेनिंग, ठीक है, ऑल दो इट वॉज रेनिंग, अगरचे बारिश हो रही थी, ऑल दो इट वॉज रेनिंग आई स्टिल वॉक टू स्कूल। उसके बाद द डॉक्टर गेव मी अ डैश फॉर सम मेडिसिन लास्ट वीक, द डॉक्टर गेव मी अ नोट, अ रेसिपी, अ प्रेस्क्रिप्शन और अ रिसीट। द करेक्ट ऑप्शन इज प्रेस्क्रिप्शन, द डॉक्टर गेव मी अ प्रेस्क्रिप्शन फॉर सम मेडिसिन लास्ट वीक। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द यूज़ ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब किस में यूज़ हुआ है, उसामा सोल्ड हिज ओल्ड बाइक टू हिज फ्रेंड, मुनव्वर किक द फुटबॉल, द हॉर्स गैलप्ड वाइल्डली और शी लेफ्ट द कीज ऑन द टेबल। अब ये वाला सेंटेंस है, उसामा सोल्ड हिज ओल्ड बाइक, तो यहाँ पर इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है, फिर मुनव्वर किक द फुटबॉल, अब इसमें द फुटबॉल जो है ये ऑब्जेक्ट है, फिर शी लेफ्ट द कीज, अब इसमें कीज ऑब्जेक्ट है। तो वो वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट आता है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, और वो सेंटेंस जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती उस वर्ब को हम क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव। तो ये वाला जो सेंटेंस है द हॉर्स गैलप्ड वाइल्डली, इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो यूज़ हुआ है। उसके बाद आई कैन नॉट हेल्प यू विद योर होमवर्क बिकॉज आई एम नॉट गुड एट जियोमेट्री डैश आई नो समवन हु कैन। अब अगेन यहाँ पर एक ट्रांजिशनल डिवाइस है, हाउ एवर आई नो समवन हु कैन, यानी मैं आप खुद तो आपकी मदद नहीं कर सकता लेकिन मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो आपकी मदद कर सकता है। उसके बाद सोनेट क्या होता है, सोनेट इज़ एन एग्जांपल ऑफ पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन या नॉवल। तो सोनेट इज़ बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ पोएट्री, 14 लाइन की जो पोएम होती है उसको हम सोनेट बोलते हैं। उसके बाद हाउ हैप्पी इज़ ही हेयर, चूज द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन। अब देखें हाउ, एच साउंड, हैप्पी, एच साउंड, ही, एच साउंड, हेयर, एच साउंड, तो जो रेपिटेशन ऑफ सेम साउंड है उसको हम क्या बोलते हैं, रेपिटेशन ऑफ सेम साउंड को हम एलिट्रेशन बोलते हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर क्या है, एलिट्रेशन यूज हुई है। उसके बाद आई फेल्ट एन इनटॉलरेबल सॉरो, ठीक है, रियलाइजिंग दैट माई फ्रेंड कुड बी सो मीन। द अंडरलाइन वर्ड हैज़ द सेम मीनिंग, इनटॉलरेबल के लिए कौन सा वर्ड, उसका साइनोनिम क्या है, अनवेलकम, अननेचुरल, अनबियरेबल या अनवांटेड। द करेक्ट ऑप्शन इज अनबियरेबल, राइट, ओके। इट हैज़ बीन एन एक्सट्रीमली ब्रूटल समर, ब्रूटल, अब ब्रूटल का जो है वो ब्रूटल का क्या मतलब है, हार्श, विंडी, प्लेजेंट या जेंटल। द करेक्ट ऑप्शन इज हार्श, ठीक है, ब्रूटल मतलब सख्त। अच्छा, ही इज़ इंटरेस्टेड डैश लर्निंग इंग्लिश, ही इज़ इंटरेस्टेड ऑन, इन, टू या फॉर। द करेक्ट ऑप्शन इज दैट ही इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, ओके। सेलेक्ट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड एल्यूमिनस, एल्यूमिनस का प्लूरल क्या होता है, एल्यूमिनाय, एल्यूमिनस का प्लूरल है एल्यूमिनाय। उसके बाद दीज स्टूडेंट्स आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड दे प्लान टू गो टू कॉलेज टुगेदर। तो अब ये किस तरह का सेंटेंस है, दिस इज बेसिकली अ कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है, दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा, उसके बाद माई सिस्टर इज वेरी काइंड एंड जेनरस पर्सन डैश शी हेल्प्स मी विद माई होमवर्क एंड ड्राइव्स मी टू बास्केटबॉल प्रैक्टिस, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, लाइक वाइज, एडिशनली, एज अ रिजल्ट या फॉर एग्जाम्पल। तो द करेक्ट ऑप्शन इज फॉर एग्जाम्पल के आगे जो है वो जो उसने यहाँ पर स्टेटमेंट दी है कि माई सिस्टर इज अ वेरी काइंड एंड जेनरस पर्सन, उसकी आगे वो क्या दे रहा है, एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। अच्छा, तानिया इज ओल्डर
डैश सायरा वाइल रहमान इज़ डैश ओल्डेस्ट। तो अब इसमें करेक्ट सूटेबल वर्ड्स कौन से होंगे, तानिया इज़ ओल्डर देन सारा, ठीक है, एंड रेशम इज़ द ओल्डेस्ट, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। अच्छा, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि वुड यू माइंड डैश द गेट, वुड यू माइंड क्लोज्ड, वुड यू माइंड क्लोज, वुड यू माइंड टू क्लोज, या वुड यू माइंड क्लोजिंग। द करेक्ट ऑप्शन इज़ वुड यू माइंड टू क्लोज द गेट प्लीज़। तो हमने एमसीक्यूज कर लिए, अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ। तो पहला जो क्वेश्चन है दैट इज़ अबाउट कॉम्प्रीहेंशन। अच्छा, कॉम्प्रीहेंशन जो नाइन्थ क्लास की है ना, आपके तमाम चैप्टर्स की जो कॉम्प्रीहेंशन है वो मैंने एसएलओ बेस्ड कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व की हैं, तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, उसको आपने लाजमी चेक करना है। ड्रग एडिक्शन इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे, देर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ ड्रग एडिक्शन बट द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल इज द एब्सोल्यूट डिपेंडेंस ऑन इट। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ड्रग्स कॉजेज परमानेंट मेंटल एंड फिजिकल सिकनेस। सम काइंड्स ऑफ ड्रग्स दैट कॉज डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी आर हेरोइन, मैरिजुआना, टोबैको, वैलियम, कोकेन एंड अल्कोहल। ड्रग एडिक्शन इज कॉज बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अ फ्यू इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट मे कॉज ड्रग एडिक्शन आर बैड पीयर इन्फ्लुएंस एंड ट्रबल्ड डोमेस्टिक बैकग्राउंड। व्हेन यंग पीपल रिमेन इन बैड कंपनी एंड डू एक्सपेरिमेंट्स इन द नेम ऑफ एडवेंचर, दे मे फॉल प्रे टू एडिक्शन। द पीपल हु आर डिससेटिस्फाइड एंड डिसकंटेंटेड विद देयर लाइव्स मे ऑल्सो रिजॉर्ट टू ड्रग एडिक्शन इन ऑर्डर टू सीक एंड एस्केप फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लाइफ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर टू बी टेकन इन दिस रिगार्ड इज द रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी ऑफ अ ड्रग एडिक्ट। इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, एडिक्ट्स, देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स कंसिडर इट अ टैबू टू शेयर देयर प्रॉब्लम विद अदर्स। दे फील एम्बैरस टू टॉक अबाउट इट फॉर फियर ऑफ बींग डिक्लेयर्ड एन आउटकास्ट। दिस नॉट ओनली मेक्स द क्योर डिफिकल्ट बट इन मोस्ट ऑफ द केसेज द एडिक्ट्स डाई ड्यू टू लैक ऑफ टाइमली ट्रीटमेंट एंड काउंसलिंग। Rehabilitation centers are the best places for the recovery process of the addicts. Complete medical support and guidance is provided to those people in these centers. Drug abusers, therefore, must be taken to proper and certified rehabilitation centers where proper treatment and cure is available for them. However, this requires rapid identification of the problem of drug addiction and full cooperation of the victims with the team of the centers. पहला क्वेश्चन है कि राइट डाउन द समरी ऑफ द पैसेज एंड ऑल्सो सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। तो इसका जो टाइटल है दैट इज ऑब्वियसली ड्रग एडिक्शन, और इसकी समरी अगर हम करें तो ड्रग एडिक्शन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम टुडे। ग्लोबल प्रॉब्लम की पूरी दुनिया का मसला बन चुका है। इट्स मोस्ट डेंजरस फॉर्म इज एब्सोल्यूट डिपेंडेंस ऑन इट। ड्रग एडिक्शन इज कॉज्ड बाय बैड पीयर इन्फ्लुएंस एंड ट्रबल्ड डोमेस्टिक बैकग्राउंड। Dissatisfied and discontented. Dissatisfied गैर मुतमइन, discontented का मतलब भी क्या होता है, गैर मुतमइन। People also fall prey to drug addiction. Fall prey शिकार हो जाते हैं to drug addiction and seek escape, और पनाह ढूंढते हैं from responsibilities of life, जिंदगी की जिम्मेदारियों से। Some people hide the cases of drug addiction in the fear of being declared outcast. Outcast का मतलब निकाला गया, मतलब धुतकारा हुआ। Identified cases of drug addiction should be referred to certified rehabilitation and recovery centers for proper treatment and rehabilitation. उसके बाद next question है कि explain in your own words the difference between addiction and dependence. कि addiction और dependence में क्या फर्क होता है? So drug addiction is a negative connotation which is considered by society as a taboo, whereas complete dependency is the worst form. उसके बदतरीन शक्ल है फ्रॉम वेयर रिकवरी बिकम्स डिफिकल्ट, कि बिल्कुल आप उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करने लग जाते हैं, कि आप उसके आदि हो जाते हैं। अ ड्रग डिपेंडेंट कैनॉट लिव विदाउट ड्रग्स एंड वॉन्ट्स टू गेट इट बाय ऑल मीन्स। हिज रिकवरी इज ओनली पॉसिबल थ्रू प्रॉपर ट्रीटमेंट इन सर्टिफाइड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स। अगला सवाल यह है कि हाउ डज अ पर्सन गेट एडिक्टेड, कि आप नशे के आदि कैसे होते हैं। अ पर्सन गेट्स एडिक्टेड ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक बैड पीयर इन्फ्लुएंस। पीयर इन्फ्लुएंस जो पीयर बोलते हैं, जो आपका एज फेलो होता है। बैड पीयर इन्फ्लुएंस एंड ट्रबल डोमेस्टिक बैकग्राउंड। समटाइम्स अ पर्सन फॉल्स विक्टिम टू ड्रग इनिशिएशन। इनिशिएशन के मतलब शुरू, नशा शुरू करता है। ड्यू टू डिससेटिस्फाइड एंड डिसकंटेंटेड फैमिली लाइफ, के जब घर में कुछ बुरा चल रहा होता है तो लोग अक्सर नशे पे लग जाते हैं। एंड सी कैन एस्केप फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लाइफ, और जिंदगी की जिम्मेदारियों से भागने के लिए वो नशा शुरू कर देते हैं। अच्छा, हाउ डज द ड्रग एडिक्शन अफेक्ट अ कम्युनिटी, कि एक जो नशे का आदी है वो कम्युनिटी को, मुआशरे को कैसे, वो मुआशरे पर कैसे असर डालता है। ड्रग इनिशिएशन मे स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल पर्सन, के नशे की जो आदत है वो शायद आपको किसी एक आदमी से लगे, बट इट अफेक्ट्स फैमिलीज, लेकिन ये पूरे पूरे खानदान, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड इवन अ होल कम्युनिटी, बल्कि पूरे मुआशरे को ये ड्रग एडिक्शन तबाह कर देती है। इट हैज़ अ बैड नेम फॉर द फैमिली, आपके खानदान का भी नाम खराब होता है। एंड पीपल वॉन्ट टू अवॉइड सोशल कनेक्शन विद सच फैमिलीज हु हैव द केसेज ऑफ ड्रग एडिक्शन, और जिस खानदान में नशे के आदि अफराद होते हैं तो लोग उस खानदान से ही दूर हो जाते हैं।
उसके बाद अगला सवाल यह है कि व्हाट आर सम इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स फॉर ड्रग एडिक्शन, कि इसके इलाज क्या हो सकता है। ड्रग एडिक्ट्स नीड स्पेशल अटेंशन फॉर प्रॉपर रिकवरी, काउंसलिंग, गाइडेंस एंड सेंडिंग सच केसेज टू रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी सेंटर्स आर सम ऑफ द इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स फॉर ड्रग एडिक्ट्स। फैमिलीज कैन प्ले वाइटल रोल्स फॉर डिलेइंग इनिशिएशन एंड अर्ली डायग्नोसिंग ड्रग एडिक्शन केसेज फॉर रिहेबिलिटेशन। उसके बाद इवेलुएट राइटर्स स्टांस, स्टांस का मतलब होता है कि राइटर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। जब मतलब वो ये कह रहे हैं कि जब मुसन्निफ ने कहा है कि एडिक्ट्स दैट एडिक्ट्स देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स कंसिडर इट अ टैबू टू शेयर देयर प्रॉब्लम विद अदर्स, कि जब वो राइटर कहता है कि जी जो नशे का आदि अफराद होता है, फ़र्द होता है, और उसके घर वाले और उसके दोस्त जो हैं वो इसके हवाले से बातचीत करना बायस शर्म महसूस करते हैं। टैबू का मतलब कि उसको शर्म महसूस करते हैं। तो आप ये एक्सप्लेन मतलब वजाहत करें हाउ ड्रग एडिक्शन इज़ अ टैबू, कि नशे की आदत कैसे एक बायस शर्म बात है, और अपना गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। सो मोस्ट ऑफ द केसेज ऑफ ड्रग एडिक्शन डू नॉट कम टू द लाइमलाइट, लाइमलाइट का मतलब कि सामने नहीं आते, एंड आर नॉट रेफर टू रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बाय द फैमिलीज, और उनको जो बहाली के मराकज़ होते हैं जहाँ पर नशे के आदि अफराद का इलाज किया जाता है वहाँ तक वो नहीं पहुँच सकते। क्यों? बिकॉज फैमिलीज जो हैं यू नो दे हैव अ फियर ऑफ बींग कंसिडर्ड एज अ टैबू एंड सब्सिक्वेंटली बी डिक्लेयर्ड एज एन आउटकास्ट, के लोगों को लग रहा होता है कि ये बायस शर्म बात है और कहीं हमें इसकी वजह से पूरे मुआशरे में बदनामी का सामना ना पड़े करना पड़े। अच्छा, दिस एटीट्यूड वर्सन्स, वर्सन का मतलब ये जो रवैया है ये मामले को बिगाड़ देता है। दिस एटीट्यूड वर्सन्स द रिस्क फैक्टर ऑफ द एडिक्ट टू लूज हिज लाइफ, पीपल मस्ट थिंक दैट लाइफ ऑफ अ पर्सन इज मोर इंपॉर्टेंट दैन टू बी कंसिडर्ड एज अ टैबू। उसके बाद मीनिंग्स आपने लिखने हैं जो वर्ड अंडरलाइन है। प्रे, प्रे का मतलब होता है शिकार हो जाना, विक्टम या टारगेट, एम्बेरेस्ड शर्मिंदा, आउटकास्ट, अनटचेबल या आउटसाइडर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ये है कि इसमें आपको दो स्टैंजाज दिए गए होंगे, उसमें से आपने किसी एक स्टैंजा को पैराफ्रेज करना है। तो पहला जो स्टैंजा है दैट इज़ स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, द ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर ब्यूटिफुल टू स्टे एंड इन्जॉय बट आई कैन नॉट स्टे हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज आई हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लाइफ टू फुलफिल बिफोर गोइंग टू स्लीप। अगला जो स्टैंजा है दैट इज़ द मैन ऑफ लाइफ अपराइट हुज गिल्टलेस हार्ट इज फ्री फ्रॉम ऑल डिट्स डिसऑनेस्ट डीड्स और थॉट ऑफ वैनिटी। तो इसका पैराफ्रेज क्या होगा कि एन ऑनेस्ट एंड इनोसेंट मैन्स लाइफ इज फ्री फ्रॉम गिल्ट, ही लिव्स अ फेयर लाइफ एंड डज नॉट इवन थिंक और एक्ट डिसऑनेस्टली टुवर्ड्स अदर फेलो ह्यूमन बींग्स। अगला जो पार्ट बी है इसमें आपको दो स्टैंजाज दिए गए होंगे किस और दोनों में से क्वेश्चन आपसे पूछे गए होंगे, तो आपने दोनों में से कोई एक स्टैंजा जो है वो सॉल्व करना होगा। तो पहला है कॉन्टीन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। तो पहला जो सवाल है दैट इज आइडेंटिफाई एंड राइट एनी टू पोएटिक डिवाइसेज यूज्ड इन द स्टैंजा। तो पहली जो पोएटिक डिवाइस है दैट इज सिमिली, कॉन्टीन्यूअस एज द स्टार्स, तो ये क्या है, सिमिली है। दूसरी जो है दैट इज पर्सोनिफिकेशन, यानी कि टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। उसके बाद व्हाट इज द इफेक्ट of beauty of nature on human life, so beauty of nature has a positive effect on life, it provides an escape from the worries of material world and a man feels fresh, it has healing and soothing effect on troubled minds. उसके बाद explain what is stated clearly and what is implied message of the stanza, कि कौन सी बात इसमें वाजे वाजे कही गई है और कौन सी बात जो है वो indirect कही गई है। so the poet describes the beautiful scene of nature besides the lake where a large number of daffodils move in the breeze as if they are dancing, ठीक है, ये इसका स्टेटेड मीनिंग है। उसके बाद द इम्प्लाइड मैसेज ऑफ द स्टैंजा इज दैट वी शुड इंजॉय सच ब्यूटीफुल सीन्स ऑफ नेचर टू लिव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। अगला स्टैंजा जो है, माय लाइफ इज कोल्ड एंड डार्क एंड ड्रेरी, इट रेन्स एंड द विंड इज नेवर वियरी, माय थॉट्स स्टिल क्लिंच टू द मोल्डरिंग पास्ट बट द होप्स ऑफ यूथ फॉल थिक इन द ब्लास्ट एंड द डेज आर डार्क एंड ड्रेरी। तो अब इसमें पहला क्वेश्चन है कि राइट द राइमिंग स्कीम एंड ऑल्सो राइट एनी वन पोएटिक डिवाइस यूज इन द स्टैंजा। तो अब इसकी जो राइमिंग स्कीम है दैट इज ए ए बी बी ए, यानी ए ए ड्रेरी वेरी ए ए पास्ट ब्लास्ट बी बी और उसके बाद ए ड्रेरी अगेन आ गया, ठीक है। और इसमें जो पोएटिक डिवाइस है दैट इज एलिट्रेशन, जब वो कहता है ना एंड डेज आर डार्क एंड ड्रेरी, तो इसमें जो ड साउंड है ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। उसके बाद विच एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ हैज बीन डिपिक्टेड इन द स्टैंजा, सो द पोएट डिपिक्ट्स द रियलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ दैट अ मैन्स विशेज आर नेवर फुलफिल्ड, youth is an age when a man makes future plans, some are realistic and some are not, and when these plans do not come true in life a man gets depressed, insaan
मंसूबे बनाता है, कुछ उसमें से ठीक हो जाते हैं, कुछ गलत होते हैं, और जब जो चीज़ें उसको नहीं मिलती तो फिर इंसान क्या होता है, डिप्रेस होता है। अच्छा, हाउ डज द मूड ऑफ द पोएट कॉरिस्पॉन्ड विद द एनवायरमेंट अराउंड, कि जो शायर का अपना मूड है वो उसके आसपास के माहौल के साथ वो कैसे मुताबिकत रखता है। सो द पोएट हैज़ सैड मूड ड्यू टू सम अनफुलफिल्ड डिजायर्स ऑफ द पास्ट। अच्छा, दिस मूड राइटली कॉरिस्पॉन्ड्स विद द रेन एंड विंड दैट इज कॉन्टिन्यूसली ब्लोइंग विदाउट बींग टायर्ड, कि शायर खुद भी उदास है और बाहर हवा चल रही है तो उससे शायर की उदासी मजीद बढ़ रही है। अगला सवाल नंबर 4 है आपका, और इसका ऑप्शन 1 है कि जिसमें आपने अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स लगाने हैं। अच्छा, रिच नेशंस कैन अफोर्ड टू फीड द हंग्री पीपल, ये पहला एडजेक्टिव है, द हंग्री पीपल। अच्छा, द होमलेस पीपल, ठीक है, ये आपको एडजेक्टिव्स दिए गए होते हैं और आपने क्या करना होता है, इनको अप्रोप्रिएटली फिल करना होता है। द होमलेस पीपल हुज स्टोरीज अपियर्ड इन द न्यूज़पेपर लास्ट वीक हैव नाउ फाउंड अ प्लेस टू लिव इन। सिक पीपल नीड टू बी लुकड आफ्टर, ठीक है, यानी हंगरी ना यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि जाहिर बात है जो बीमार होता है उसी का ख्याल रखा जाता है ना। सिक पीपल नीड टू बी लुकड आफ्टर, सो मनी मस्ट बी स्पेंड ऑन हॉस्पिटल्स। लाइफ मस्ट बी वेरी हार्ड फॉर जॉबलेस पीपल, ठीक है, इन आर सोसाइटी टूडे, सो गवर्नमेंट मस्ट गेट न्यू इंडस्ट्रीज टू ओवरकम दिस इशू। द प्राइस ऑफ डेली कंज्यूमर आइटम्स मस्ट बी रिड्यूस टू गिव मैक्सिमम एडवांटेज ऑन द जनरल पब्लिक। उसके बाद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, शी कट वेजिटेबल्स, ठीक है, यानी कि शी कट्स वेजिटेबल है तो इसको आपने सिंपल पास्ट में चेंज करना है, तो कट की फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म कट होती है, तो सिंपल क्या होगा, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी है, लेकिन ये वही क्योंकि सेम ही रहती है ये, शी कट वेजिटेबल्स। उसके बाद ये सेंटेंस है, ही ड्र्यू द स्वॉर्ड दैट ही माइट डिफेंड हिमसेल्फ, तो अब इसमें क्या करना है आपने, यू हैव टू चेंज इन टू पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या बनेगा, ही वॉज ड्राइंग द स्वॉर्ड दैट ही माइट डिफेंड हिमसेल्फ। उसके बाद अगला सेंटेंस है, द टाइम वेन द बोट लीव्स इज नॉट येट फिक्स्ड, तो इसको सिंपल फ्यूचर में तब्दील करना है, तो द टाइम वेन द बोट विल लीव, लीव्स क्या बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विल लीव में। उसके बाद ही थॉट दैट ही वॉज सेफ देयर, इसको पास परफेक्ट में चेंज करना है, ही थॉट दैट ही हैड बीन सेफ देयर, ठीक है, इसके लिए आपको टेंसेस का आना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ रेनिंग, तो ये क्या हो जाएगा, इट हैज़ बीन रेनिंग। अच्छा, ये जो फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना, इसके ऊपर मैंने एक मज़े की एक्टिविटी करवाई थी, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, उसको भी आप जरूर चेक कीजिएगा। अच्छा, द रिपोर्ट दैट ही वॉज किल्ड इज़ अनट्रू, अब इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करें, इज़ द रिपोर्ट दैट ही वॉज किल्ड अनट्रू, ठीक है। उसके बाद ही थॉट ही न्यू योर एड्रेस, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करें, तो ही थिंक्स ही नो योर एड्रेस। उसके बाद पंक्चुएट आपने करना है, तो जाहिर बात है जब सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इसका एस बड़ा होगा, सो कॉमा यू आर, आर के ऊपर अपॉस्ट्रफी, यू आर ऑन द जॉब फुल स्टॉप, एवरी डे आई हग्ड हिम, ठीक है, एवरी डे का ई बड़ा, एवरी डे आई हग्ड हिम के बाद फुल स्टॉप। उसके बाद आपने यू हैव टू राइट एन ईमेल टू योर फादर आस्किंग हिम टू सेंड यू सम फंड्स फॉर एडमिशन फी, तो ईमेल लिखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप फ्रॉम ईमेल एड्रेस टू जिसको आप लिख रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस, फिर उसके बाद डेट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आप जो है वो अपनी ईमेल जो है उसको लिखते हैं। होप दैट दिस मेल ऑफ माइन विल फाइंड यू इन हाई स्पिरिट एंड गुड हेल्थ, आई एम ऑल्सो फाइन हेयर इन माई हॉस्पिटल, माई सेंड अप एग्जामिनेशन हैज़ कम टू एन एंड, दिस टाइम ऑल पेपर्स वर SLOs based, but I attempted all papers satisfactorily. Multiple choice questions were difficult, so I lost most of marks in this area, but thank God I have secured 85% marks as a whole. My admission for board examination has been sent by the school. I have to pay ₹1750 for admission fee, so kindly send me the said amount extra along with my regular monthly funds transactions. I know very well that it will be difficult for you to manage this extra amount this month, as it will disturb the family budget in this time of high inflation. Inflation ka matlab mehngai. But I ensure you that I will not waste money. Convey my special thanks and best wishes to mom who prayed for my success in the examination. Your loving son XYZ. Ya to aap ye kar sakte hain ya phir aap application likh sakte hain sick leave ki. Sick leave ki application to aapko aati hi hogi. Isliye main ye aapko nahi karwa raha. उसके बाद आपने पैराग्राफ लिखना है, या तो नेचर पर या फिर माय आइडेंटिफिकेशन एजुकेशन। तो नेचर पे अगर आप पैराग्राफ लिखें तो आप इस तरह से लिखेंगे, नेचर हैज़ हीलिंग, हीलिंग का मतलब ठीक कर देने वाली, नेचर हैज़ हीलिंग एंड रिस्टोरेटिव पावर्स ऑन ह्यूमन बॉडी एंड माइंड, इट प्रोवाइड्स अ ग्रेट स्ट्रेस रिलीफ, यानी कि ये आप जो स्ट्रेस होता है परेशानी उसको ख़त्म करती है, बाय इनेबलिंग अस टू रिमूव स्ट्रेस। द सन इज एन इन एस्केपेबल पार्ट ऑफ द आउटर आउटडोर एक्सपीरियंस, इट इज़ एन इनवैल्यूएबल येट कम्प्लीटली फ्री
सोर्स ऑफ हेल्थ बाय बीइंग आउटसाइड आउटडोर्स वी आर एक्सपोज टू द सन एंड इट्स इन्विग्रेटिंग इन्विग्रेटिंग बड़ी जोश और जज्बे वाली एंड लाइफ गिविंग पावर ग्रेटली इम्प्रूव आर माइंड. अच्छा इट इज ऑल्सो अ नेचुरल साउंड ऑफ वाइटामिन डी एंड अ क्रूशल प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज. क्लियर क्लीन एयर इज अनदर रीजन वाई सम पीपल चूज टू स्पेंड टाइम इन नेचर. या फिर आप एजुकेशन पे एक छोटा सा ऐसे लिख सकते हैं. अच्छा उसके बाद फिर आपने ट्रांसलेशन करना है लास्ट सवाल में. पाकिस्तान इज फेसिंग सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स दीज डेज. कि पाकिस्तान को इन दिनों कई कौमी और बैन अलाक्वामी मसाइल दरपेश हैं. आर एनिमीज आर इन अ कॉन्स्टेंट परसूट टू हार्मस. हमारा दुश्मन मुसलसल हमें नुकसान पहुँचाने के दर पे है. वी नो इट वेरी वेल. हमें इस बात का अच्छी तरह से पता है. द एनिमी ऑफ द मुस्लिम उम्मा इज़ वेरी क्लेवर एंड कनिंग. मुस्लिम उम्मत है उसका दुश्मन बहुत शातर और चालाक है. टू गेट आउट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स इन मसाइल से निकलने के लिए वी नीड अ सिंसियर एंड ऑनेस्ट लीडर. हमें एक मुखलिस और ईमानदार रहनुमा की ज़रूरत है. हु कैन ब्रिंग अस आउट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन. जो हमें तबाही और जुल्म से निकाल सके. वी नीड टू लर्न अ लेसन फ्रॉम आर ग्लोरियस पास्ट. हमें अपने माजी से शानदार माजी से सबक हासिल करने की ज़रूरत है. या फिर आप क्या लिख सकते हैं, एक डायलॉग लिख सकते हैं दो दोस्तों के दरमियान. यू नो बिटवीन अ कस्टमर एंड अ शॉपकीपर ऑन प्राइसेस ऑफ डेली कंज्यूमर आइटम्स हाईलाइटिंग द इशू ऑफ इन्फ्लेशन. यानी महंगाई के ऊपर आप लिख सकते हैं. तो महंगाई के ऊपर आप आम बोलचाल में एक डायलॉग लिख सकते हैं. आप इस डायलॉग को भी कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी तरफ से भी एक डायलॉग जो है वो आप लिख सकते हैं. तो ये हमने नाइन्थ का आज सेकेंड सेट सॉल्व किया. आपकी जो किताब है वो मैं पहले से पढ़ा चुका था. कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड पूरी बुक को दोबारा से मैंने पढ़ा दिया है. पोइम्स को भी दोबारा से पढ़ा दिया है. ग्रामर भी नाइन्थ की सारी करवा दी है. और तमाम के तमाम जो वीडियोस के लिंक्स हैं वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे. जाएँ जाके उनको देखें, अपने पेपर्स की तैयारी करते रहें, इंग्लिश की इस अकेडमी के साथ जुड़े रहें. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.